खबरों के सिलसिले में बढ़ते हैं आगे। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां किराड़ी विधानसभा के इंदर किले में गिरी इमारत। जर्जर हालात में थी बिल्डिंग, अचानक गिरने से कई लोग हुए घायल। हादसे में 3 पुरुष 2 महिला के घायल होने की खबर। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। प्रेम नगर थाना इलाके में वीरवार की दोपहर एक जर्जर मकान के गिरने से 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। उन्हें नजदीकी संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मकान के मलबे के अंदर कई और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। किराड़ी इलाके के इंदर किले फेस 2 में वीरवार को मकान की मरम्मत का काम किया जा रहा था। मकान काफी पुराना था, जो काफी जर्जर हालात में था और कई महीनों से बंद पड़ा हुआ था। मरम्मत का काम चल ही रहा था, इसी दौरान मकान भरभराकर नीचे गिर पड़ा और उसके मलबे के अंदर 2 महिलाएं और 3 पुरुष दब गए, जिन्हें बाहर निकाला गया और संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें अब तक केवल एक घायल की पहचान हो सकी है, जिसका नाम नसीमा बानो बताया जा रहा है। वह इस मकान के ठीक सामने रहती है। घायल सबसे ज्यादा मेरी बीवी है, उसका नाम नसीमा बानो है। एक घटना है तकरीबन 12:12 का, मरीजों को संजय गांधी मेरा बेटा लेके गया, छत जो है गिर गया उसके बाद मुबारक करीब 4-5 लोग। बहरहाल मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम और स्थानीय पुलिस मलबे को हटाने के काम में जुटी, और मलबा हटाने के बाद ये साफ हो पाएगा कि कोई अन्य व्यक्ति तो इस हादसे में घायल नहीं हुआ है या फिर मलबे में दबा तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जर्जर हालात में यह मकान काफी सालों से पड़ा हुआ था, उसे देखकर एक सवाल तो जरूर खड़े होते हैं कि जब भी कोई निर्माणाधीन मकान बनता है, वहां पर प्रशासन किस ना किसी बहाने पहुंच जाता है, लेकिन इस तरीके के खतरनाक मकानों के समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती, जो कि बड़े हादसे का कारण बनती है। यूनिवर्सल न्यूज के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।